यार स्टडी हार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर दैट इज मींस स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान काम है। आप 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 सेकंड। करना आपको क्या है, आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम से कम 2 से 3 दिन आपको स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करनी है। बस आप इतना करिए और फिर देखिए 2 से 3 सेकंड में आपके स्क्वायर रूट निकलेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे से शुरू करते हैं, बहुत ही छोटे से। ठीक है, तो शुरू कर देखते हैं, बिल्कुल शुरू से। और इस ट्रिक को याद रखिएगा तो तुरंत निकल आएंगे सारे 1 मिनट में। 676 लिखना है, मतलब 676 का स्क्वायर रूट निकालना। अब देखिए, हमें मदद क्या करेंगी, हमें मदद करेंगी ये यूनिट प्लेस। जैसे 1 की ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट, ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस, ये और ये, हमें मदद ये करेंगी, हमें इनको याद रखना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि याद होनी चाहिए। अब देखिए, 676 निकालने के लिए आप इधर से शुरू करिए। ठीक है, हमें ये देखना है कि 6 जो यूनिट प्लेस है किस नंबर के स्क्वायर में आती है। तो 6 आपकी यूनिट प्लेस आती है आपके 6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप 4 और 6 लिख लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ 4 और 6 लिखा, आपकी लास्ट की 2 डिजिट की हेडक ख़त्म। ठीक, अब हमें मतलब नहीं है। ठीक, अब हमें मतलब सिर्फ इससे है। ठीक, अब देखिए, अब हमें देखना 6 कितने और कितने के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 आता है आपके 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। ठीक, 3 का स्क्वायर लेंगे नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये तो पहले ही कट हो गया। ठीक, तो लेंगे क्या, 2 का स्क्वायर। मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 से शुरू होगा। पहला नंबर क्लियर। अब दूसरा नंबर, मतलब यहाँ 4 आएगा 6 आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 3। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 6। अब ये देखिए, ये पहला नंबर इस नंबर के बराबर है, इससे छोटा है। अगर छोटा है तो इन दोनों में छोटा नंबर आएगा, बराबर है या बड़ा है तो इन दोनों में यही नंबर आएगा। ठीक, तो 6 6 के बराबर है, तो अगला नंबर भी 6 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 26। बहुत इजी, 1-2 बार कोशिश करेंगे सब हो जाएगा। ठीक, 841, तुरंत इसको हटाइए। 41, 1 1 किस किस के बीच में आता है, लास्ट में 1 आता है, एक तो आपका 1 के बीच में, ठीक, और एक आता है 9 के बीच में। 8 8 किस किस के बीच में, 2 का स्क्वायर और कितना, 3 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर लेंगे नहीं तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर। 2 में 1 जोड़िए 3, 3 दूनी 6, तो ये नंबर 6 से क्या है, बड़ा है, तो क्या आएगा, बड़ा आंसर 29 हो गया 3 सेकंड में। अब देखिए 141, आप ही करिए, तो बहुत छोटा। अब हम लोग आते हैं 4 डिजिट पे, ये आपको करना है 4 डिजिट पे। ठीक, 4 किस किस के बीच में आता है, 2 के और 8 के, 2 डिजिट की हेडक ख़त्म। अब 14 देखिए, 14 किस किस के बीच में आता है, 14 आपके आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ये लेंगे नहीं, क्या बचा, 3। ठीक, 3 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 4। ठीक, 3 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 4, और उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 12। अब देखिए, ये 12 इस 14 से क्या है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है तो नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों में वो छोटा नंबर आएगा, दैट इज 32। कितना ईजी है ईजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2401, ठीक, 1 किसके बीच में आता है, 1 और 19, ठीक है, 1 और 9 के बीच में आता है। अब देखिए 24 किस किसके बीच में आता है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कट हो गया, मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए 4 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 5, और उसका मल्टीप्लाई करिए 4 में कितना हो गया, 20। 4 5 20, तो 20 24 से क्या है, छोटा है, तो नंबर कौन सा लेंगे, 1, नंबर भी छोटा ही लेंगे ना। अब देखिए 5 9 2 9, 9 किस किस के बीच में आता है, 9 आपका 3 के बीच में आता है और 7 के बीच में आता है। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर की हेडक ख़त्म, 59 बचा। 59 किस किस के बीच में आता है, 49 और 64 के बीच में, तो ये नंबर आपका शुरू होगा या तो 7 से स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में 59 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये तो लेंगे नहीं, 7 बचा, तो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 7 से शुरू होगा। ठीक है, अब 7 में 1 जोड़ना है और उसका 7 में मल्टीप्लाई करना है, 7 और 8 56, तो क्या है, 56 59 से क्या है, बड़ा या छोटा है, ऑब्वियस से छोटा है, तो नंबर भी हम क्या लेंगे, छोटा, तो आंसर कितना हो गया, 73। ठीक है, हाँ, तो क्या है, 56 59 से क्या है, छोटा है,
मतलब 59 बड़ा होगा तो नंबर कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, दैट इज 77, 73 नहीं 77 होगा, ठीक है। अब अगला एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़े से बड़े वाले, लंबी वाले, ठीक है। 8, 4, 6, 4। अब देखिए, फोर किस किस के बीच में आता है, टू में आता है यूनिट प्लेस में और एट में आता है, ये दो नंबर की हेडक खत्म। 84 बचा, 84 आपके 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। 10 का स्क्वायर लेंगे नहीं क्योंकि ये 100 होता है, ये बड़ा हो गया, तो नंबर की शुरुआत 9 से ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और 9 में एक जोड़िए कितना हो गया 10, और 9 को मल्टीप्लाई करिए कितना 90, तो 90 इससे क्या है, बड़ा है, मतलब ये नंबर 90 से छोटा है, ठीक है। तो नंबर कौन सा लेंगे, ऑलवेज छोटा वाला, तो ये 92 का हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे निकालते स्क्वायर रूट। अगर समझ में आया है तो इनका 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 आप स्क्वायर रूट निकालिए इसी ट्रिक से, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और स्टडी हार्ट के साथ लगातार बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।